जनपद संभल के चंदौसी में समाजवादी छात्र सभा सम्मेलन आयोजित हुआ। जनपद संभल के चंदौसी में मुरादाबाद रोड पर स्थित काना बिहार बैंकट हॉल में समाजवादी पार्टी छात्र सभा का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव उपस्थित रहे। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाजवादी पार्टी पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं ना, जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए, बूथ स्तर पर काम करना चाहिए, खाली स्टेट का नंबर बनाने से बचना चाहिए, बूथ स्तर पर काम करना चाहिए, हमारी सरकार की नीतियों को विचारधाराओं को बताना चाहिए, जमान जमीनी स्तर पर बताना चाहिए। देखिए सरकार ने योगी जी के राज में प्रधानों के साथ किया था, कायाकल्प का काम जो कराया था वो प्रधानों से अपनी ग्राम निधि से कराया, और जबकि वो देख कर कराया था दिल्ली का, दिल्ली में कायाकल्प का जो काम हुआ है वो केजरीवाल जी ने कराया, उनके अपनी निधि विधायक निधि से पैसा दिया था मुख्यमंत्री जी ने स्वयं। और देखिए अखिलेश यादव की नीति कथनी या करनी में कोई फर्क नहीं रहा है, आज तक उन्होंने गरीबों के लिए किया है। देखिए आप जैसे देखना डायल 100 चलाई थी उन्होंने, केवल नाम बदलने का काम किया, 108 नंबर उन्होंने चलाई थी, तो जिस गरीब के पास गाड़ी नहीं है उस गरीब को सही समय पर 10 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी पहुँचने का काम उन्होंने किया था। इस समय आप आधा घंटा सड़क पर खड़े रहिए, नहीं आता कोई भी, आप नहीं उठाते हैं, अगर फोन लगाते हैं तो बदतमीजी करते हैं। आप मेरा एक रिकॉर्डिंग है तो मैं उसको दिखा दूँ, ये गड्ढे फाड़ने की बात करते हैं। सॉरी आप आज नहीं आ पा रहे, देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक नहीं अनेक मौकों पर इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेगी, छोटे दलों के साथ एडजस्टमेंट होगा, सहयोग लेंगे, सहयोग देंगे। एक जानकारी और नहीं, एक पार्टी का जन्म हुआ है देखिए मैंने पहले भी कहा, आज फिर दोहराता हूँ, इस मामले पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे और जो भी वो फैसला लेंगे पार्टी के लोग उस फैसले को साकार करने के लिए सफल करने के लिए अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। देखिए समाजवादी पार्टी ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे कहां का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पार्टी को हर हाल में पार्टी का फैसला है, उत्तर प्रदेश की जनता का फैसला है और प्रदेश की जनता की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी लोग आएं, खुशहाली तरक्की डेवलपमेंट के रास्ते पे फिर से ले जाएं, गरीबों को जो सुविधाएं पिछली सरकार में मिली थी वो सुविधाएं दें। उसके लिए समाजवादी पार्टी का एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक अब रात दिन एक करके माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। अभी मैनिफेस्टो आएगा, चुनाव तो आने दीजिए, मैनिफेस्टो भी आएगा, चुनाव के दौरान आएगा। थैंक यू।